other people also there. Thanks. We have our bath. Which a grist and tank lag automatic grist. ठीक है हाँ. एवरी 2000 आवर्स में हम लोग को हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा एवरी 2000 आवर्स में. ठीक है जो वहाँ पे है हाइड्रोलिक टैंक हाइड्रोलिक ऑयल आप एवरी 2000 आवर्स में आप सब वहाँ पे खोल के अच्छा क्लीनली साफ करना पड़ेगा. ओके बिफोर आप हाइड्रोलिक आप ऑयल चेंज कर रहे हैं मैक्सिमम आप इंश्योर करिए सब कुछ लीटर क्लोज में होना चाहिए क्लोज में होना चाहिए. नहीं मास्ट मास्ट आप प्राइस करके रख दीजिए मैक्सिमम ट्रैवल्स लीटर में आपको ज़्यादा क्वांटिटी ऑयल भरेगा ट्रैवल्स लीटर में मैक्सिमम वो एड का आप क्लोज करके रख ठीक है ना. मैक्सिमम ऑयल टैंक में होना चाहिए हाँ लेके आ जाइए. मैक्सिमम आपको कितना है आपको मैक्सिमम सिलेंडर रहेगा कैप अंडर साइड में आपको ऑयल क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा रॉड एंड में क्वांटिटी कम रहेगा वॉल्यूम कम रहेगा. मैक्सिमम आप क्लोज करके मैक्सिमम क्लोज में रख के ऑयल को आप हाइड्रोलिक टैंक में आप रख दीजिए देन फुल्ली ड्रेन कर दीजिए ड्रेन करके क्लीन करके फिर रिफिल कर दीजिए. ठीक है थोड़ा यूज समय ना फ्रेश क्लॉथ यूज करके क्लीन कर क्लॉथ मैक्सिमम हाइड्रोलिक में काम कर रहा आप मैक्सिमम क्लॉथ यूज करने का. ओके क्लॉथ यूज करिए उसके बाद हम लोग का आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक में आफ्टर हाइड्रोलिक मेंटेनेंस कंप्लीटेड आफ्टर दैट आप वहाँ पे ऊपर में टैंक का ऊपर में हम लोग का एयर लॉक रिलीज करने के लिए क्यों है ना हम लोग का सब एक्सल पिस्टन पंप गियर पंप रहेगा आपका एयर लॉक नहीं होगा. हम लोग का वी आर प्रोवाइडिंग ईयर एक्चुअली सब एक्सल पिस्टन पंप में मैक्सिमम आपको एयर लॉक होने का चांसेस है. दैट इज़ वाई वहाँ पे ऊपर में हम लोग का लिफ्टर लाइन फिल्टर में एक स्क्रू है वहाँ पे स्क्रू को आप रिलीज करिए थोड़ा जस्ट आप क्रैंक करिए जस्ट क्रैंक ये वन टाइम और टू टाइम और थ्री टाइम आप क्रैंक करिए हाइड्रोलिक ऑयल एयर का साथ आप रिलीज हो जाएगा. एयर ब्लीड कर दीजिए एयर ब्लीड करके वंस आप कंफर्म देन अगेन एक्चुअली पुट प्लग काइंड ऑफ एयर ब्रीदर एयर ब्रीदर. ओके दिस इज आपको हाइड्रोलिक का मेंटेनेंस एंड ऐसे हम लोग करना है दिस प्रिंसिपल. पूछ लीजिए कोई भी कौन सा कहाँ पे ये वाला देखिए अभी मशीन अभी ऐसे आ जाइए जस्ट हम लोग का देखेंगे अजी आप आइए हम लोग का वहाँ पे ये वाला मैं बोल रहा हूँ वाटर पंप FMC बीन पंप ये वाला है वाटर पंप आपको यहाँ पे ठीक है ना कनेक्शन क्या है इसका मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना आपको दिस इज मोटर हम लोग का दिस मोटर एक्चुअली रेडियल मोटर. ओके रेडियल मोटर 150 सीसी हम लोग का रेडियल मोटर पर्टिकुलर आपका नहीं होगा जी थोड़ा आपका ज़्यादा रहेगा ये वाला 154 सीसी हम लोग का रेडियल मोटर हम लोग का यूज़ किया यहाँ पे यूज़ किया ठीक है. दिस इज आप बोल पूछ रहे दिस इज मड मिक्सर मड मिक्सर ठीक है. तो ये काम कैसे करता है सर मड मिक्सर आप मतलब मड मिक्सर मोटर आप प्रोक्योर करना पड़ेगा विथ मड मिक्सर टोटल मड मिक्सर एजिटेटर आप प्रोक्योर करना पड़ेगा सब एजिटेटर का साथ लेना है वहाँ पे ठीक है. वहाँ पे यहाँ पे दो ओस है हम लोग का यहाँ पे ये वाला दो ओस है ना यहाँ पे इसको निकलना है निकल के दो ओस ऐड करना है पंप का ये भी दोनों दे के उसके बाद एजिटेटर को आप संप में रखना है पंप तो ये अच्छा संप में रख के आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे आप नॉर्मली पॉलीमर क्या होगा सेडिमेंट होके बॉटम हो जाएगा सो इसलिए आपको हाँ ठीक है टाइप का नहीं वो जेट जैसा काम जेट डिफरेंट आप पर मिक्सिंग के लिए मिक्सिंग है ये जेट है ना दिस है ना ऑलरेडी सेटल हो गया उसको करना है आप ऐसे ब्लेड रहेगा ऐसे उसको ड्राइव करने के लिए पंप एजिटेटर का पंप है ना वो ड्राइव है ना मड एजिटेटर है मैं आई विल सेंड योर मेल इफ यू वांट कौन सा कनेक्शन हाँ ओके अच्छा जस्ट कनेक्शन मैं बोल रहा हूँ देख लीजिए ये वाला चीज़ आप हम लोग का टेक्निकली देखेगा टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ आप ये वाला यहाँ पे देखेगा ये वाला ड्रेन पोर्ट है ड्रेन मोटर का ड्रेन दिस इज ए बी दिस इज ए एंड बी यहाँ पे देखेगा नॉर्मली हम लोग का ये PBAT कनेक्शन नहीं है एक्चुअली हाउ टू फंक्शन दिस पर्टिकुलरली दिस
वाटर पंप है, एक लो प्रेशर रहेगा, एक हाई प्रेशर रहेगा. ओके, दैट प्रेशर वेरी में हम लोग का मोटर को ऑन ऑफ कर रहे हैं. ओके, ये लाइन प्रेशर हाई रहेगा, बी इट इज नॉट ओपन लूप सर्क्यूट. हाइड्रोलिक सिस्टम साइड में देखेगा ओपन लूप, क्लोज लूप, ब्लीड लूप ऐसे है. दैट सिस्टम हम लोग का वी आर प्रोवाइडिंग ओपन लूप सर्क्यूट. ओके, पर्टिकुलरली दिस सिस्टम हम लोग का मोटर हम लोग का बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लोज लूप होना चाहिए. बट हम लोग का पंप पर्टिकुलरली इस मॉडल के लिए क्लोज लूप नहीं दे सकता करके हम लोग का प्रेशर वेरी में हम लोग का वहाँ पे ऑन ऑफ स्विच कर रहे हैं. ये कब पंप ऑन दैट टाइम एक्चुअली आपको ये प्रेशर हाई रहेगा, बी लो प्रेशर रहेगा. कब आप बंद कर देगा, बी हाई रहेगा, ये लो रहेगा. इस वजह से हम लोग का पंप को हम लोग का ऑन ऑफ कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे ई वाला कनेक्शन ड्रेन एंड ए बी लाइन, इसका सेम ए बी लाइन बोलेगा तो हम लोग का ए में ऑयल आएगा, बी में रिटर्न जाएगा, बी में ऑयल आएगा, ए में रिटर्न जाएगा. दिस इज ए बी कनेक्शन, वो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे. आफ्टर दैट आपको देखेगा इसका गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स ड्राइव आपको मोटर से हो रहा है. ठीक है, मोटर से हो रहा है, वो मोटर ऑलरेडी आपको 150 सीसी आपको कैपेसिटी है. रेडियल मोटर वो सब एक्सप्लेन कर चुका है. ये वाला वाटर पंप का हेड है, FMC बीन पंप, यहाँ पे सब लगा हुआ. ठीक है, सब बॉल है, नॉट डिस्क वॉल, दिस इज प्लंजर वॉल नहीं है. सेवरल वाटर पंप है, सेवरल मॉडल्स है. ओके, दिस इज नॉर्मल चेक वॉल्स टाइप, दिस इज चेक वॉल टाइप, नॉट प्लंजर वॉल, नॉट डिस्क वॉल वाटर पंप. ओके, दिस इज रिलीफ वॉल. नॉर्मली रिलीफ वॉल 1000 PSI के लिए, 1000 PSI कैपेसिटी, सो मैक्सिमम हम लोग का 600 PSI रिलीफ सेट करते हैं. वाटर पंप वाटर का रिलीफ 600 PSI हम लोग का वी आर सेटिंग. ओके, ईजिली आपको डिसमेंटल कर सकता है, ईजिली लाइनेस चेंज कर सकता. आप जिस हेड को ओपन करिए, एवरी वन नोस, बहुत साल काम कर सकते. सो